फिर क्या का क्या हो जाता है। तो वो पढ़ती थी ये वाली गीता, इसमें पीछे कमल नेत्र पढ़ना, वो कालिया नाग वाला पढ़ना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना। अभी भी कोई दुख हो ना तो गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, शांति मिलेगी मन को। तो वो पढ़ना, बस ये गीता यही पढ़ती थी। ये गीता तो पता नहीं उस गीता ने कर्म किया और कुछ कृपा भगवान की हुई, ये गीता कैसे मेरे हाथ में आ गई। ये सुखदेव महाराज जी थे ना इस्कॉन मंदिर में, तो मेरा बेटा जाता था, मैं तो जाती भी नहीं थी, वो जाता था। तो उनको बोले कि अपने मम्मी पापा को भी मंदिर लेके आना। हम गए तो बहुत अच्छा, मतलब बातचीत हुई। आए घर में तो बोलते महाराज जी गीता है, तब इतनी समझ भी नहीं थी। मैंने कहा हाँ महाराज जी, मेरे पास 3-4 गीता पड़ी है, श्लोकों वाली भी। एक मेरी मतलब दहेज में, मैं गीता इतनी बड़ी है, एक श्लोक बड़े ही व्याख्यान है बहुत ज़्यादा। वो गीता तत्व उसको बोलते हैं, तत्व वेचनी कुछ ऐसे है मेरे को नाम, तो वो है। तो मैंने सारी निकाल के रख दी और बड़े सुंदर लाल लाल कपड़े में लपेट कर। तो महाराज जी ने देख के बोलते बस ये कपड़े में लपेटने के लिए। मैं कह नहीं महाराज जी, पढ़ती हूँ कभी कभी, पढ़ लेती हूँ, कार्तिक के महीने में पढ़ती हूँ पूरी। तो बोलते बाद में कार्तिक के बाद खाना नहीं खाते, बस कार्तिक में ही खाते, मतलब जैसे गुरुमा का होता है उन्होंने बोला। फिर सारी गीता एक तरफ करके श्लोकों वाली गीता उठाई और बोलते ये पढ़ो। फिर अपने बैग में से ये गीता निकाली और ये गीता पे फिर मेरे को निशान लगा लगा कर देते और मैं याद करती। फिर मंदिर में जाते, एक बार बोलते सुनाओ, सारे बैठे हुए और बोलते गीता सुनाओ। और मेरे को अंदर से आया कि अगर ना आई तो क्या बोलेंगे लोग, और महाराज जी ने कैसे बड़ी सरलता से बोल दिया कि आप पढ़ो श्लोक, उस पर लिखा हुआ था, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं सुबह गीता भागवत जरूर कर। इस कौन में जितनी भक्ति है ना, जितनी गीता भागवत है कहीं नहीं है। जितना सुंदर श्रृंगार पूजा, भगवान को भोग लगाना, जितनी भक्ति है ना कहीं नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर सामने कृष्ण जी का मूर्ति है, मैं ठाकुर देखा जाएगा जो होगा। फिर मैंने पढ़ा तो भगवान महाराज जी ने बोल दिया हरे कृष्णा, मैं कह इनको पसंद आ गया, झिझक उतर गई। बस ऐसा श्लोक का वो हुआ, ऐसा श्लोकों का हुआ, अब कोई डर भी नहीं लगता भी गलत हो जाए, वहम भी नहीं आता गलत हो जाएगा। और ये गीता तो वैसे ही इतनी सरल कर देती है श्लोकों को, ये आप पढ़ना ठीक है। शाम को मैं आज पता नहीं आया जाए कि नहीं, कल भेजूँ, आज डिब्बा लेके आऊँगी, मैं जाऊँगी ना उधर तो डिब्बा लेके आऊँगी, तो फिर सबको बांटना इधर गीता ठीक है। चाहे तो इकट्ठे बैठ के, चाहे तो मैं इधर आती हूँ ना फिर फोन में जोड़ लो, इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं ठीक है। जैसा और टाइम लगे इधर फोन जैसे हाँ में। जैसे टाइम लग, अरे रात को सोने टाइम पढ़ लो, सोने से पहले 3 श्लोक पढ़ लो, 4 पढ़ लो। तो ये गीता ऐसे फिर मेरे हाथ में आई, और कैसे कुछ गुरु की कृपा हुई, कुछ भगवान की कृपा हुई, तो गीता के श्लोक मेरे आसान हो गए। तो मेरे को अच्छा लगता है, गीता पढ़ो उसको मनन करो, ज़्यादा नहीं ना, ऐसे भगवान का नाम लो ऐसे निकालो, जो श्लोक निकला एक दो वही पढ़ लो, धीरे 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 देखना आपका इतना मन लगेगा, अरे इसमें तो बहुत कुछ है, आप अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढोगे इसमें, इतना कुछ समाया। फिर ये है इसमें कि अगर आप कितनी बार पढ़ लो, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये श्लोक कहाँ छुपा रह गया, हर बार नहीं लगेगी। बड़ी विचित्र इसकी महिमा है कि हर बार नहीं लगेगी। इसलिए आज से मेरी तो यही है कि गीता पढ़ो और समझो और मनन करो। बच्चों तुम भी पढ़ो, बच्चों ये भी गीता जानना चाहिए। बहुत वो है ठीक है। छोटो ये नाम भूल जाती हूँ मैं, निकुंज हाँ जो पढ़ा कर गीता, तू भी पढ़ा कर ठीक है। पढ़ेगा, कौन सी क्लास में पढ़ता है, प्रथम है? कौन सी, ये 10th में है वो, टेंथ में? तो फिर अरे प्लस मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ी हुई, मैं गीता पढ़, तुम तो पढ़े लिखे हो, और उल्टा अपने सुनाया घर में करो। पढ़ा करो, मम्मी पापा को भी पढ़ाया करो ठीक है। तुम बच्चे हो ना, तुम तो जल्दी उल्टा वो करोगे, और फिर आगे अब जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी बीवी भी पढ़ेगी, फिर आगे बच्चे होंगे वो भी पढ़ेंगे, तो गीता कहाँ कहाँ तक चलेगी ठीक है। गीता पढ़ा कर, तू भी पढ़ा कर उल्टा, तू गीता का हेड बन यहाँ का, और क्या, नहीं पढ़ा करो गीता। बोल गीता में यह कि जय। तो ये थी।